इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी लेकिन कर नहीं नहीं सकते। नहीं लेकिन लेकिन देखिए सुनिए मेरी बात, संगीत ये रागी, नरसिंह संगीत नरसिंह आप रागी सुनिए, भारत, नरसिंह नहीं आप नहीं हर सुनिए, मुसलमान, भारत के हर इस्लाम को मानने वाले हर भारतीय को अगर आप एक ही रंग से रंग देंगे कि वो सिर्फ दारुल इस्लाम बिल्कुल का सही। इंतजार कर रहा है क्योंकि दारुल हाँ हर्ब में है, तो मैं नहीं मानूंगा, देश के मैं नहीं मानूंगा, मुसलमानों ने क्योंकि सिंह कारगिल की नरसिंह चोटी पर देश परचम के लहराने मुसलमानों वाला का एक भारतीय योगदान था रहा है और मजहब से आजादी पूजा में, की पद्धति से मुसलमान आरएसएस में था, मर्सी तो पटिशन पर नरसिंह है क्या? किसके सवाल उठा रहे हैं आप? तो ये बात कि आप पूरी 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 भारतीय भारत में इस्लाम को मानने वाले हर किसी को एक ही चोगे से, एक ही रंग से जो आप उसको उनको रंग देंगे, ये बात भी गलत है। हाँ, ये बात अगर आप कहें कि हर कोई अपनी पहचान जो भारतीय बताता है उसका स्वागत है, लेकिन अगर वो अपने आप को इंडियन मुस्लिम कहता है तो फिर वहां तकलीफ है कि अपने देश के साथ अपने धर्म को जोड़ने का काम जो करते हैं उनकी सोच पर आप सवाल उठा ये सकते तो हैं। बोलेंगे पर क्योंकि ये आरएसएस ने संगीत मर्सी रागी पटिशन आपका लिखी है कहना अंग्रेजों कि को, भारत में जो भी इस्लाम को मानता अंग्रेजों है के उसको तलवे एक ही काटने रंग वाले से तो यही उसी लोग उसको थे। एक ही रंग से रंग देना ये ठीक नहीं इनका है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है आजादी में। नरसिंहन मैं इन्होंने अपनी मर्सी बात कह पटिशन लिखा, क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया। नरसिंहन मैं अपनी बात कह सकता हूं, मैं देखिए शायद क्विट आप क्विट देखिए क्विट जी मैं आपकी संगीत रागी आप बात जवाब दीजिए। देखिए देखिए मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। इस देश का सारे मुसलमान पाकिस्तान विभाजन भी नहीं चाहते थे, इस देश का सारा मुसलमान आतंकवादी भी नहीं है, दुनिया का सारा मुसलमान आतंकवादी भी नहीं है, लेकिन जो इस्लाम को पढ़ेगा और यदि उसकी आयतों के अनुसार करेगा तो एक मुसलमान सेकुलर हो सकता है लेकिन एक इस्लामिस्ट सेकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान की आयतें ऐसी हैं जो दूसरे धर्मों को बिल्कुल काफिर गलत, सिखाती हैं, एक आयत बताइए, और बिल्कुल गलत यही बोल रही यही है, वो चीज है। ये बिल्कुल हम गलत बोल रहे देखिए हैं। मैं फिर एक ही बात मैं फिर इस्लाम देखिए फिर कभी मैं भी एक ही बात वायलेंस की कहूंगा कि इजाजत नहीं देगा। जिस कुरान भारत में मोहम्मद अली में कहीं जिन्ना भी थे, लिखा जिन्होंने नहीं है भारत कि का आप विभाजन चाहा किसी और मुस्लिम इंसान लीग को की कल्पना उसके की, धर्म की वजह से उसके साथ उसी भारत में डिस्क्रिमिनेट करें, कांग्रेस पार्टी में मौलाना कहीं अबुल भी कलाम लिखा तो आजाद भी थे, जिन्होंने कहा यह भारत खंडित नहीं होना मौलाना चाहिए, अबुल इसी कलाम भारत में आजाद खान अब्दुल बहुत गफार खान सेक्युलर भी नहीं थे थे, जो अफगानिस्तान काबुल मौलाना पेशावर अबुल नॉर्थ वेस्ट कलाम फ्रंटियर आजाद प्रोविंस में बहुत थे, सेक्युलर और थे। उनकी तरफ से अखंडित भारत अखंड भारत की ही बात हुई थी, आप उसी उन्होंने भी भारत में पार्टीशन की बिस्मिल्लाह खान खिलाफत भी की थे, थी। तो मौलाना आजाद बहुत सेकुलर नहीं थे। तो कुर्बानियां दी मुसलमानों ने इस ये देश बात के ये लिए, बात ये बात है आरएसएस ये का कोई बात है लेकिन कंट्रीब्यूशन हाँ, नहीं है मैं इस्लाम के। ये भी कहता हूं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने कस्टोडियनशिप ले रखी है और जो इस आजकल इसी तरह की बात करते हैं जहां समाज को अलग करने की बात करते हैं, आरोप बीजेपी आरएसएस पर भी है कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, जैसा आप आरोप लगाते हैं कि कस्टोडियंस इस्लाम के जो लेकर बैठे हैं कुछ आजकल, वो भी अलग अलग होने की ही बात करते हैं, सिर्फ एक एक पूजा पद्धति को मानने वालों की ही वो मुखालिफत करते हैं या फिर उनकी वकालत करते हैं। तो ये प्रॉब्लम दोनों तरफ है। मोहन भागवत ने, मैं फिर अनुराग भदौरिया और गोपाल कृष्ण अग्रवाल की तरफ जाऊंगा, लेकिन एक और बात उन्होंने कही थी मोहन भागवत ने, उन्होंने कहा कि जो अब और विभाजन की बात करते हैं उसके टुकड़े टुकड़े होंगे क्योंकि अब 1947 नहीं बल्कि 2021 है और अब विभाजन संभव नहीं है। आकांक्षा रखना कि हस्ते लिया पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो आपको क्या लगता है? पता नहीं, मैं सारे देश में घूमता हूं, मैं आपको बताता हूं ये 2021 है, 1947 नहीं। भारत का विभाजन एक बार संभव हुआ, एक बहुत बड़ी ठोकर हमारे समाज ने खाई, लहू लुहान हो गया, पीड़ा से बुलबुला उठा, लेकिन वो अब इस बात को भूलेगा नहीं और इसलिए भारत का और विभाजन संभव है। कोई करने के लिए प्रयास करेगा तो उसके टुकड़े होंगे। अब ये भारत तेरे टुकड़े होंगे जो गैंग है ब्रेक इंडिया फोर्सेस, उनके तरफ कहा है कि ये जो नारेबाजी है यहां करोगे तो तुम खंडित हो जाओगे, और जो बाहर बैठ के ये काम कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, उनको भी कहा है कि हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम खंडित हो जाओगे। आप मुझे बोलने के लिए बुलाते हो, सबसे ज्यादा आप ही बोलते हो तो फिर फायदा क्या है बोलने का? अब मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा सुन लीजिएगा। ये साफ कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में विभाजन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में नफरत की आग लगा के समाज के अंदर में जाति धर्म की राजनीति करती है।
इसमें बुराई क्या है, सब जानते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी तो समाज को विभाजित करना चाहती है, लेकिन आज का हिंदुस्तान 2021 का हिंदुस्तान है, ये भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएगा और हिंदुस्तान को चोट नहीं पहुंचने देगा। ये बीजेपी हिंदुस्तान को चोट पहुंचाना चाहती है, हिंदुस्तान के किसानों को चोट पहुंचा रही है, हिंदुस्तान के युवकों को चोट पहुंचा रही है, हिंदुस्तान की महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। ऐसा हिंदुस्तान की कल्पना हमने की थी क्या कि जिस हिंदुस्तान के अंदर दिन दहाड़े महिला का चीरहरण होगा, जिस हिंदुस्तान में दलित बच्ची का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के उसके बिना मां बाप के परमिशन का कर दिया जाएगा, जिस हिंदुस्तान में किसान जो अन्नदाता है उसको रौंद के मार दिया जाएगा और मारने वाले के क्योंकि आप बीजेपी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। एक नेता है जिन्होंने कहा था लड़के हैं बलात्कार तो करेंगे ही, वो बीजेपी से ही थे शायद, लड़के हैं बलात्कार तो करेंगी ये कहने वाले शायद बीजेपी से थे, शायद बीजेपी से थे। हाल ही के कुछ दिनों पहले उनका जन्मदिन भी था, उनकी उम्र लंबी हो लेकिन वो बीजेपी से थे शायद। देखिए जब आप किसी और पर कीचड़ उछालेंगे तो कई बार अपने दामन पे भी छींट लगती है और खुद को भी देख लेना चाहिए। पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल बताइए, आरोप यह है कि बीजेपी भी वो सब नहीं कर रही जो सरसंघ चालक करने की बात कर रहे हैं, आप भी उसी राह पर चल रहे हैं जो बांट की राजनीति है। जिस तरह से वो रेफरेंस ले रहे हैं मोहन जी भागवत का, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है जो आप भी बता रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज़ादी आज़ादी जो बात कर रहे हैं वो बदल गया है, धारा 370 हटा चुके हैं, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, तीन तलाक यहाँ पे भारत में गैर कानूनी बना दिया गया है। तो जो त्रासदी थी पार्टीशन की वह ये थी कि हमने बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करते हुए, जो अपीजमेंट वाली राजनीति थी धर्म की, एक वर्ग के ऊपर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को किया, इस बात से कि हम चाह रहे थे कि शायद अपीज करके हम शांति को ले लेंगे, लेकिन पार्टीशन हुआ, शांति नहीं हुई, खून खराबा हुआ। तो अगर अपीजमेंट की राजनीति नहीं है, मेरे पास समय खत्म हो गया है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अगर अपीजमेंट की राजनीति नहीं है तो हिंदू हित की बात कहाँ हुई है हिंदुस्तान में? यहाँ आज हिंदू अपोलोजेटिक है, हिंदुस्तान में आज हिंदू ये देख रहा है कि काशी विश्वनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो एक मस्जिद के नीचे है, हिंदुस्तान में हिंदू आज देख रहा है कि आए दिन वहां मंदिरों के साथ प्रताड़ना तोड़ दिया जाता है, तो हिंदू हित की बात, हिंदुस्तान में हिंदू देख रहा है कि उसके मंदिर ही सरकार के कब्जे में है, हिंदुस्तान का हिंदू देख रहा है कि चार धाम के जितने मंदिर है उसको तो सरकार ने कब्जे में कर लिया है, तमिलनाडु में सारे मंदिरों को सरकार ने कब्जे में कर रखा है, महाराष्ट्र में सारे मंदिरों को सरकार ने कब्जा कर रखा है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और केरल में भी सारे मंदिरों को सिर्फ सरकार ने कब्जे में कर रखा है। अगर हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में अपीजमेंट नहीं है तो हिंदू के मंदिरों को ही सरकार ने कब्जा क्यों कर रखा है? इस सवाल का भी जवाब बीजेपी को देना होगा। अगर आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत की बात सच है कि किसी के साथ भी अपीजमेंट नहीं होगा, अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।